तो हेलो ब्रोन आज के इस वीडियो में मैं आपको रस छंद और अलंकार जो कि छह नंबर में आएगा दो दो नंबर का आएगा और एक एक का मैं दो 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 तीन तीन उदाहरण लिया हूँ हास्य रस बताऊँगा करुण रस बताऊंगा इसके साथ में आपको अलंकार बताऊँगा छंद भी बताऊंगा सब कुछ बताने वाला वाले एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा देखो रस क्या होता है हास रस यही होता है किसी भी चीज़ को अगर देख के मन में जो खुशी उत्पन्न होती है जो आनंद मिलता है वही हास्य रस होता है मैं एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ टाइम कम लगेगा लास्ट तक जरूर देखना ठीक है हास रस क्या होता है हास रस ये होता है पहली बात तो आधा नंबर आपको देगा हास हास रस का स्थाई भाव क्या होता है हास इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है ठीक है हास रस का स्थाई भाव क्या होता है भैया हास होता है जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा वाणी चेष्टा आकार को देख कर यानी कोई अब व्यक्ति हो वस्तु हो कुछ भी चीज हो अगर देख के उससे मन में जो उत्साह होता है जो खुशी मिलती है वही हास रस होता है ठीक है जैसे पहला है उदाहरण नाना वाहन नाना वैसा विशेष समाज निज देखा यही बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद कर लेना है अगर नहीं याद हो रहा है तो ये देख लो हाथी जैसे दे गेंडे जैसे चाल तरबूजे से खोपड़े तरबूजे से गाल ये देखने में थोड़ा मजाक ज्यादा ही लग रहा है तो यार इसमें कहा भी रहा है यही चीज कि जो भी चीज मजाक मिल मतलब जिस भी चीज को देख खुशी हो आनंद मिले ठीक है वही चीज तो बताना इसमें आकार को देखकर कर या जैसे जोकर है उसको देखकर मन में खुशी होती है या कोई ऐसा फिल्म आप देख रहे हैं ऐसा मूवी देख रहे हैं अगर उसमें कोई जोकर रहता है या कोई किरदार इस प्रकार से निभाता है हंसाने वाला तो वो क्या होता है वही हाँ रस होता है हास्य से यहाँ से समझ लो हाथ से ही समझ में आ रहा है हंसने वाला चीज है ठीक है ना अब यहाँ से निकाल लेना कि जब भी कि कोई चीज देख के मुझे हंसी होगी तो वही हाँ रस होता है ठीक है याद चलो आगे देखते हैं करुड़स करूडस क्या है देखो करुड़स क्या होता है कोई भी चीज को अगर देख के मन में जो दुख उत्पन्न होता है हाथ रस का एकदम उल्टा है वो देख के खुशी करूड़ रस देख के अगर कुछ भी चीज देख के अगर दुखी उत्पन्न होते हैं या शोक हो जाता है या कोई इंस्पायर हो जाता है या कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है जो सुन के आप लोग क्या हो जाते हो दुखी हो जाते हो तो वो रस कहलाता है समझ नहीं आया क्या फिर से देख लो रस क्या होता है कोई ऐसा चीज या या व्यक्ति या वस्तु को चीज देख कर जो मन में दुख उत्पन्न होता है ठीक है ना जैसे भी कोई परेशान बहुत ज्यादा है तो उसको भी देख के लोगों को दुख होता है है ना तो कुछ कोई ऐसा भी चीज है जिससे लोगों को देख कर दुखी होते हैं तो वो चीज क्या होता है करोड़स कहलाता है फिर से देखो जब किसी व्यक्ति के मनचाही वस्तु या तो आप चाहते हो वो न मिले नष्ट हो जाना और ना मिलना उससे उत्पन्न होने वाला दुख या शोक शोक की उत्पत्ति करता है उसे करोड़स का इसका स्थायी भाव शोक है ये आधा नंबर आपको देगा अगर शोक लिख देते हैं अस्थायी भाव में ठीक है फिर से देख लेते हैं करोड़स क्या होता है कोई भी चीज ऐसा है जिसे देख के मन में क्या होता है दुखी उत्पन्न होता है या आपको कुछ चीज चाहता

एक ये रहा एक ये रहा जो मन हो वो लिखो और लिखना है तो ये लिख लो क्या एक ही लिखना होता है मड़खोए भुजंग से जन्ने फंसा पटक रहे थे से संधि आज बना कर तुमने मुझे किया न्याय ए जगदीश देखो सबसे बेस्ट मुझे लगी ये लगा ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी यानी कि ये चीज़ मुझे लगता है सबको याद भी होगा और लिख भी ले जाओगे ठीक है तो तो वतन के लिए रहा है आंख में जरा भर लो पानी मतलब जो शहीद हुए उनकी उनको याद करो तो मतलब जो कुर्बानी देख लिए है उनके लिए याद करो तो दुख होता है ना ऐसी चीज सुन के या देख के है ना तो यही चीज क्या होता है करुण रस होता है समझ आया अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में श्रृंगार रस देख लो श्रृंगार रस वह होता है जैसे एक प्रेम एक प्रेम क्या से प्यार करते हो प्रेम एक दूसरे के प्रति हो वही श्रृंगार श्रृंगार मतलब अगर ऐसे देखते हो तो समझ लो लगता है कि सजाने वाला चीज होगा जी हाँ अगर वैसे समझ रहे हो ना कोई बात नहीं समझो तो वही चीज है कि श्रृंगार रस क्या होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रति मतलब क्या होता है प्रेम क्या है प्रेम श्रृंगार रस क्या होता है प्रेम जैसे जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति क्या हो प्रेम उत्पन्न होता है जैसे विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव सभी चीजें जब जागृत हो जाती हैं तो श्रृंगार श्रृंगारस कहलाता है है ना जब सभी चीज क्या हो जाते हैं जागृत हो जाती हैं तो श्रृंगार श्रृंगारस कहलाता है जैसे कौन हो तुम बसंत के दूत विषम में अति विश्व घन चपला की रेख तपन में शीतल मंद व्यार उम्मीद है वही दोनों याद कर लेना इसका काम ही नहीं पड़ेगा एक बार फिर से देख लो श्रृंगार रस क्या होता है जब एक नायक नायिका को देख के जो प्रेम उत्पन्न होता है वही श्रृंगार रस होता है आई होप समय जरूर आया होगा अब चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में देखो अलंकार देख लेते हैं अलंकार क्या है यमक रूपक अनुप्रास उपमा सभी बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बहुत छोटा छोटा है बहुत छोटा छोटा एकदम ना कि मार बराबर समझ लो देखो जहां उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया जाए ध्यान दीजिए उपमेय से उपमान की इसमें देखो समानता है ध्यान दीजिएगा इसमें समानता व्यक्त किया जाता है तो वहां उपमा अलंकार होता है जैसे पहला है हरिपद कोमल कमल से पहला उदाहरण कोमल कमल से चाहे तो आप ये लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं क्या पीपर पातर पात, डोला एक तो ये लिख सकते हो मतलब चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो और एक आप बता दूं चलो एक और लिख लो कोट कुलिस कोट कोट कुलिस बचन तुम्हारा सम बचन तुम्हारा कोटि से बच सचन सा... है तुम्हारा एक तो ये चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए ये लिखिए बहुत आसान है इसमें समानता व्यक्त किया जा रहा था ना रूपक एकदम उल्टा होता है इसमें एक रूपता बताया जाता है एक रूपता इसमें देखो पता चल रहा है रूपक यानी रूपता बताया जाता है कौन सा रूपता एक रूपता एक रूपता बताया जाता है ठीक है ना बहुत आसान है जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए क्या एक रूपता बताई जाए वहां रूपक अलंकार होता है जैसे एक रूपता मतलब जैसे चरण कमल बंदौह हरी राई बरिराई यानी जो है चरण को किससे वंदना किया गया है कमल द्वारा वंदना किया गया है, है प्रदर्शित किया गया है जैसे एक और देख सकते हैं आप हाँ। मन सागर और क्या होता है मन सागर मनसा लहरी मनसा अब इससे भी आसान नहीं होगा भाई मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक बूढ़े बहे अनेक ठीक है समझ आ गई रूपक अलंकार क्या होता है एक रूपता बताया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है जब एक दूसरे में क्या है? एक रूपता बताई जाती है तो वहां क्या होता है रूपक अलंकार होता है जैसे चरण कमल बंधव होने या दूसरा मनसागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक अनुप्रास अलंकार देख लो अनुप्रास अलंकार जैसे कोई शब्द है या अक्षर है वही बार बार आता है जैसे जैसे देखो यहां पर एक बार पढ़ के सुना देता हूं जब एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछा यानी देखो ता एक दो तीन चार पांच कितनी बार आया ना जो कोई अक्षर या वर्ड बार बार आता है तो क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है क्या होता है अनुप्रास अलंकार अनुप्रास से ही मिलता है, है अनुप्रास की तरह ही है एक प्रकार से आप कह सकते हैं ठीक है अनुप्रास अलंकार क्या होता है जब एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए क्या बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है आगे देखो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ जैसे कोई ऐसा भी शब्द है या अच्छा रहे, वो अलग अलग बार प्रयोग हो मतलब जैसे एक ही शब्द जैसे राम राम दो बार हो तो दोनों का एक ही राम को प्रदर्शित किया गया हो जैसे श्याम श्याम या कमल 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 को ही सिर्फ प्रदर्शित किया गया हो ठीक है लेकिन उसके दोनों कमल कमल जो होता है उसके अर्थ क्या होता है अलग अलग हो क्या हो अलग अलग हो ठीक है समझ आया जैसे जब एक ही वर्ड या अक्षर बार बार प्रयोग हो लेकिन प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वह अलग हो जैसे कनक कनक एक कनक मतलब होता है सोना और एक कनक मतलब क्या होता है धतूरा तो कनक कनक ते सौ गुने सौ गुने मादकता अधिकाय मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग या खाए बौराय जग वा पाए बौराय ठीक है कनक कनक ते सौ मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय ठीक है इस प्रकार से आपको भी लिखना है ठीक है समझ आ गई बात ना देख लो आप देखो कनक कनक ते सौ गुनी यानी कनक मतलब एक होता है सोना है, एक कनक मतलब होता है धतूरा तो कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय ये यमक अलंकार होता है समझ आ गया अलंकार भी खत्म और रस भी खत्म अभी क्या बच रहा है आपका छंद बच रहा है उसको चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं देखो सिर्फ दो छंद में यहाँ पर लेकर आया हूँ एक तो दोहा है एक सोरठा है तो मछे से समझ आएगा दोहा सोरठा दोनों तैयार कर लेना हो जाएगा खत्म काम ठीक है देखो दोहा क्या होता है अर्ध छमात्रिक छंद है सेम सोरठा भी अर्ध छतृक छंद है छंद है सॉरी छंद नहीं छंद है ठीक है इसमें दोहा का सेम उल्टा क्या होता है सोरठा होता है आप कह सकते हैं सोरठा का भी उल्टा दोहा होता है ऐसा भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो तो पहले एक कंप्लीट करता हूं फिर आपको ठा बता दूंगा देखो यह अर्धसम मात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं देखो एक दो तीन चार जितने भी एग्जाम्पल लूंगा उसमें चार चरण होंगे है ना पहले और तीसरे में यानी ये पहला और ये तीसरा इसमें और इसमें दोनों में तेरह तेरह मात्राएं होनी चाहिए और इसमें इसमें दो मतलब ये जो दिख रहा है ये इसको पहले बोलेंगे पहला चरण इसको बोलते हैं दूसरा चरण इसको बोलते हैं तीसरा चरण इसको बोलते हैं चौदह चरण जहाँ काम लग गया है ये अलग चरण हो गया है तो पहले चरण में तेरा होगा तीसरे में तेरा होगा दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा ग्यारह ग्यारह मात्रा है चलो करके दिखाता हूँ मात्रा कैसे लगाते हैं यह भी सिखा देता हूं आपको देखो रा अकेले है इसको कर देंगे एक हा भी अकेले है छोटी की मात्रा इसमें एक लगा देंगे माँ अकेले है ना अकेले है रही मन हो गया पापे आ की मात्रा है तो दो इस प्रकार से बना देंगे इसको यश की तरह बनाते हैं लेकिन इसे कितना गिनेंगे दो इसको गिनेंगे कितना दो ना पे बड़ी की मात्रा देखो बड़ी की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा या आ की मात्रा यानी बड़ा आ की मात्रा इतना सब रहेगा ना तो वो दो से लिखेंगे है ना दो की तरह मतलब दो गिनेंगे एस की तरह लिखेंगे ठीक है भैया यहाँ पे आ की मात्रा है इसमें देखो छोटी की मात्रा कोई दिक्कत नहीं इसमें एक ही होगा छोटी की मात्रा उ की मात्रा इसमें एक ही होता है यहाँ पे आ की मात्रा तो इसको दो गिनेंगे गिन लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह मात्रा आ गया इसमें भी तेरह आना चाहिए चलो इसको पहले देख लेते हैं दो दो आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा दो दो हो गया गा या पे की मात्रा या आ की मात्रा रहेगा ए, ए ओ आओ। ये सब रहेगा तब यस की तरह बनाया जाएगा उसको दो गिना जाएगा है ना नरे ठीक है बड़ा ऊ है इसलिए ऐसा रहेगा है ना दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह लिए तेरह हो गया फिर से देखो इसको दो गिनेंगे दो दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह मात्रा हो गया अब देखो दूसरे और चौथे में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होनी चाहिए दूसरे और चौथे में चलो करके देखते हैं बा पे छुट्टी की मात्रा ना पे छुट्टी की मात्रा पा पे आ की मात्रा तो एस की तरह बनाएंगे दो गिनेंगे इसको इसको भी ऐसे करेंगे और इसे कितना गिनेंगे दो सब अब देखो शून्य बड़ाऊ की मात्रा है तो दो रहेगा यहाँ पर एक रहेगा गिन लो एक दो तो, फिर दो दो चार चार दो छः सात आठ आठ दो दस एक ग्यारह ग्यारह मात्रा आ गए और चौथे में भी ग्यारह मात्रा आना चाहिए चलो ती दो दो चार दो एक छोटो की मात्रा एक चू न गिन लो दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है अब चलो चाहे तो आप इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो मैं इसको भी समझा देता हूं मे री भव बाधा हर आप लोग गिन लेना एकदम मात्रा सही आएगा तो बता दूँ क्या चलो बता ही देता हूं क्या ज्यादा टाइम जाएगा दो दो चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितना आएगा चलो दो सात आठ नौ दस एक ग्यारह अब देखो जा तन की झाई पारे दूती हो, हो ठीक है समझ आया कि नहीं इतना एक चीज इसमें मुझे लग रहा है कम है यार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस नौ इस, ये वाला छोड़ दो ये मुझे संकोच लग रहा है ये वाला छोड़ दो ऊपर वाला याद कर लो ठीक है चलो सोलठा क्या है यह सेम उल्टा होता है उसका यार दशा मात्रिक छंद है पहले और तीसरे में ग्यारह ग्यारह और द्वितीय और चतुर्थ में तेरह तेरह मात्रा है चलो रही मन मोही हाो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एक ग्यारह आ गया ऐसे ये भी रहेगा तो आप लोग गिन लेना ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि पंद्रह मिनट में मैं सोचा था कंप्लीट कर दूंगा और हो भी गया लगभग लगभग राश छंद अलंकार यानी पंद्रह मिनट में खत्म क्योंकि टाइम कम पढ़ना ज्यादा चलो जी एकदम सही कर रहा हूँ गिन के बताना प्लीज आप लोग सही है कि गलत है वैसे सही होगा हंड्रेड परसेंट सही होगा हंड्रेड परसेंट यार गिन के बताना आई होप आप लोग समझ में जरूर होगा पंद्रह मिनट में कंप्लीट करा दिया चलो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं वीडियो में कैसा लगा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ फटाक से करो धन्यवाद